हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 समुच्चय सेट्स की कुछ और टर्म्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिनका एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो लेकिन सॉल्व जब ही हो पाएंगे जब आपको इन टर्म्स के बारे में पता होगा, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, सबसेट, इक्वल सेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित, उपसमुच्चय, समान समुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। ये हिंदी है इनकी जो मैंने आपको बोली। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और फिर अगले लेक्चर में इनसे संबंधित एक्सरसाइज हम करेंगे। कि पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर चुके हैं, इसके बाद हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और लेक्चर अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी थोड़ा सा बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एम्प्टी सेट, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो हेडिंग डालते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो फिर सुन लीजिए। ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट को शो करने का तरीका है ओनली कर्ली ब्रैकेट या फिर फाई, मैथमेटिकल सिंबल फाई। तो फाई ध्यान रखिएगा, फाई कभी भी मजले ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। अगर मजला ब्रैकेट लगाना है तो कुछ नहीं आएगा, फाई भी नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं। और अगर फाई लिखना है तो फाई मजले ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ये नोटेशन है एम्प्टी सेट का। अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, जिस सेट में एलिमेंट्स की संख्या निश्चित हो, जैसे कि इंग्लिश जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं वो फिक्स हैं, ए ई आई ओ यू, कितने 5 होते हैं, इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, और जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं नंबर में, जैसे कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो हमें ये नहीं पता कि कहां तक जाना है, ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो पहचान कैसे करेंगे कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? तो मैं यहां पर 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूं। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? 1, 2, 3, 4, तो हमें ये नहीं पता कि हमें आगे कहां तक जाना है, बस चलते जाना है। तो हमें जब पता नहीं हो कि हमें कब तक कहां तक आगे जाना है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। या फिर फाइनाइट सेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमने लिखा 1 से 100 तक के बीच की रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, तो 1, 2, 3,
फोर, सॉरी नेचुरल नंबर मान लीजिए 1, 2, 3, 4 डैड डैड डैश अप टू 100, तो ये फाइनाइट सेट होगा। क्यों? हमें पता है कि कहां तक जाना है, हमें जाना है 100 तक। तो इस तरीके से अगर डॉट 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 लगी है तो लास्ट में आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा ये शो करने के लिए कि आपको कहां तक काउंटिंग करनी है। और यदि लास्ट में कुछ भी ना दे तो इसका मतलब है हमें ये नहीं पता कि हमें कहां तक जाना है। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जिस सेट में मतलब जिस समुच्चय में निश्चित संख्या में अवयव होते हैं उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द सेट विच हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, एंड द सेट विच हैव या हुज क्वांटिटी इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। अब बात आती है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के लिए कम से कम दो सेट तो आपके पास होने ही चाहिए अगर आपको ये पता करना है कि रियल इक्वल सेट किसे कहते हैं। चलिए हमारे पास दो सेट हैं, 1, 2, 3, 4। दूसरा सेट है 3, 1, 4, 2। तो कुछ सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है दोनों सेटों में, तो काफी बच्चों ने पहचान लिया होगा। क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं, आगे पीछे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलिमेंट्स तो वही कितने, 4 हैं जो पहले वाले में हैं, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं इक्वल सेट्स, जिसमें दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हो। अगर यहाँ पर 5 हम कर देते और यहाँ पर 5 नहीं लिखते तो ये इक्वल सेट नहीं होते। तो जितने एलिमेंट पहले सेट में हैं, जो एलिमेंट पहले सेट में हैं, जितने नहीं जो, वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी होने चाहिए, तब जाके वो कहलाएगा इक्वल सेट, समान समुच्चय। अब बात करते हैं सबसेट की। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक सेट है ए, 1, 2, 3, दूसरा सेट है सी, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें यह बताना है कौन किसका सबसेट है और सबसेट का मतलब क्या हुआ। सबसेट का मतलब है किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स में हो ही, तो जिस एलिमेंट में होने चाहिए उसमें एलिमेंट्स जो है पहले वाले सेट से ज्यादा ही होंगे। जैसे कि पहला सेट है ए 1, 2, 3, दूसरा सेट है सी 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट सी में हैं? बिल्कुल हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3। लेकिन सी साइज में बड़ा है क्योंकि यहां पर है 5 एलिमेंट और यहां पर है केवल 3 एलिमेंट, तो छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाएगा, इसे बोलते हैं हिंदी में उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय को हम शो करते हैं इस साइन से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। चलिए मैं इसको बी ले लेता हूं, है ना, या डी ले लेता हूं, क्योंकि तो दोनों साइन एक जैसे हो रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। ए इज ए सबसेट ऑफ डी, तो छोटा वाला सेट हमेशा बड़े वाले सेट का सबसेट होगा। ये नहीं हो सकता कि बड़ा वाला सेट छोटे वाले सेट का सबसेट बन जाए, तो डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, बट ए इज द सबसेट ऑफ डी, क्योंकि ए है छोटा, डी है बड़ा। यहाँ बड़े छोटे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें ज्यादा होंगे वो बड़ा सेट कहलाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें कम होंगे वो छोटा सेट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ।
आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पावर सेट की। अच्छा एक बात और, सबसेट में जो 5 होता है ना वो हर सेट का सबसेट होगा। जो 5 है वो हर सेट का क्या होगा? सबसेट। बाकी हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे। अब हम एक काम और करने वाले हैं। अब हम ये देखिए, अब हमें सेट ए दे रखा है 1 2 3, अब हमें इसके सबसेट बनाने हैं। तो हेडिंग क्या बनेगी? दिए हुए समुच्चय के कुछ समुच्चय बनाना है। टू फॉर्म ए सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। तो देखिए हमें सेट दे रखा है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, हमें बनाने हैं इसके सबसेट। तो हमने बताया था कि फाई, तो जो फाई है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो फाई तो आप लिख दीजिए। अब ये 3 एलिमेंट है ना, पहले हम 3 को जोड़ लेते हैं। ठीक, अब हम बनाएंगे पेयर 2 का, 1, 2, 2, 3, 1, 3। हमने पहले कहा था कि सीक्वेंस मतलब ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा, और एक बात और ध्यान रखिए, प्रत्येक सेट खुद का भी सबसेट होता है। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 भी, ये चीज भी इस चीज का उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा। तो कितने सबसेट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको ये पता करना है कि दिए हुए एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट बनेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n। हमें पता है कि 8 आ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब निकालते हैं इस फॉर्मूले से, हमें सबसेट क्या बनना है वो नहीं पता करना, केवल हमें ये पता करना है कि कितने सबसेट बन रहे हैं। एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? 2 to the power कितना आंसर है? अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट होते 2 to the power 4 हो जाता, कितना आता? 2 to the power 8 16। तो ये टोटल सबसेट कितने होते हैं? 16। तो इस तरीके से आप गिवन सेट के सबसेट बना सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड है पावर सेट, घात समुच्चय। यदि किसी सेट के सबसेट को सेट के सबसेट को मजले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए तो इस टाइप से बनने वाले सेट को बोलते हैं पावर सेट। जैसे कि मेरे पास सेट ए है 1, 2। अब मुझे पावर सेट को शो करते हैं कैपिटल पी से। तो मुझे पावर सेट पी बनाना है तो पहले मैं इस 1 2 के सारे सबसेट लिखूंगा। तो 5 होता है, 1 होगा, 2 होगा और 1, 2 होगा। ये सारे सबसेट हैं। यदि मैं इन सारे सबसेट को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं तो ये बन जाता है पावर सेट। तो किसी सेट के सबसेट को मजले ब्रैकेट के अंदर बंद करना, करली ब्रैकेट के अंदर बंद करके एक्सप्रेस करना, ये कहलाता है पावर सेट। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? एक टाइप का इमेजिनरी हाइपोथेटिकल काल्पनिक समुच्चय है जिसका रियल लाइफ में कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, इम्पोर्टेंस। देखिए तो यूनिवर्सल सेट को हम शो करेंगे कैपिटल यू से।
यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें यूनिवर्स के सारे एलिमेंट हम इंक्लूड मान के चलते हैं कि कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट उस यूनिवर्स में होंगे। जैसे कि मैंने कहा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो ये क्या बन गया, एक टाइप का यूनिवर्सल सेट बन गया। और उसी के अंदर आप नेचुरल नंबर निकाल सकते हो, ठीक है, रेशनल नंबर भी आप उसमें आप निकाल सकते हो, मिल सकते हैं, ठीक है, इवन नंबर आप निकाल सकते हैं, ऑड नंबर आप निकाल सकते हैं। इस टाइप के हाइपोथेटिकल सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि एक डायग्राम से समझाते हैं, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट U, और इसमें आपके सारे रियल नंबर हैं, ठीक है, सारे के सारे। अब कहां से स्टार्ट करें ये कहना मुश्किल है, क्योंकि माइनस वन, एक अरब, दो खरब कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे ही प्लस का एक अरब दो करोड़ खरब कुछ भी हो सकती है, संख्या अनकाउंटेबल है। अब मैंने एक सेट लिया, तो मैंने लिखा U जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब मैंने सेट ए लिया है, सेट ए में लिखा है मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो भी एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे क्या वो एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, यू में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ए सबसेट ऑफ यू। अब मैंने सेट बी में लिया है पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो क्या ये एलिमेंट जो भी आएंगे क्या वो इसमें नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, तो बी भी क्या होगा, सबसेट होगा यू का। तो यूनिवर्सल सेट इज ए हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सेट इन विच वी एज्यूम दैट इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक सेट यू में हैं, तो इसी समुच्चय को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये था आज के लेक्चर के टॉपिक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक छोड़ दिया है, थोड़ा सा लेंदी है वो, समझाने में टाइम लगेगा, तो हम उसको करेंगे, और उसका जो टॉपिक का नाम है वो है इंटरवल। इसमें हम इंटरवल आपको बताएंगे कि कैसे ओपन इंटरवल होगा, कैसे क्लोज इंटरवल होगा, ये दो टाइप के इंटरवल होते हैं, ओपन और क्लोज। तो कैसे पता चलेगा ये किस टाइप का इंटरवल है और इसको शो कैसे करेंगे, मुश्किल से मुश्किल ये लेक्चर 10 मिनट का होने वाला है, तो इसको हम अगले लेक्चर में आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन गुड बाय।